भी देख रहे हैं MNS न्यूज पर। देखते हैं आज की कुछ खास खबरें। मोदी ने देश को एक सूत्र में बांधा, शाह ने की धारा 370 की पैरवी। महाराष्ट्र के बीड में गृह मंत्री अमित शाह ने एक रैली को संबोधित करते हुए कहा कि आप सब ने नरेंद्र मोदी जी को 300 सीटें दी है। मोदी ने 5 महीने में अनुच्छेद 370 हटाने का काम किया। मोदी जी के नेतृत्व में देश दिन दुगनी रात चौगनी प्रगति कर रहा है। वंचितों के विकास के लिए जो बाबा साहेब आम्बेडकर की कल्पना थी, उसी तरह मोदी सरकार काम कर रही है। राष्ट्रवादी कांग्रेस में विलय पर घमासान। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव प्रचार के बीच कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस के विलय की अटकलों से दोनों पार्टियों में घमासान मच गया है। एक ओर जहां कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे ने उम्मीद जाहिर की कि भविष्य में कांग्रेस और NCP एक साथ आएंगे, वहीं राष्ट्रवादी प्रमुख शरद पवार ने शिंदे के बयान को खारिज कर दिया। सोलापुर में प्रचार के दौरान शिंदे ने कहा था कि कांग्रेस और NCP दोनों बराबर है, हम दोनों एक तरह ही पेड़ के नीचे बड़े हुए हैं। पवार ने किया खारिज। कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस के विलय की चर्चा को NCP प्रमुख शरद पवार ने एक बार फिर खारिज कर दिया है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता शिंदे के दोनों पार्टियों के साथ आने वाले बयान को शरद पवार ने कहा कि मेरी पार्टी के बारे में मैं ज्यादा जानता हूँ। बुधवार को जलगांव में चुनाव प्रचार करने पहुँचे पवार से शिंदे के बयान पर कहा कि शिंदे अपनी पार्टी के बारे में बोल सकते हैं, मैं अपनी पार्टी का मुखिया हूँ और इसके बारे में मैं ज्यादा जानता हूँ। अब आप हमारे चैनल को ऐप पर भी देख सकते हैं। प्ले स्टोर में जाकर MNS हिंदी लिखें और ऐप डाउनलोड करें। साथ ही साथ आप हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक कर सकते हैं और उस पर भी खबरें देख सकते हैं। लिंक है ट्विटर और इंस्टाग्राम पर भी आप हमारी खबरें देख सकते हैं। आप हमारे चैनल को यूट्यूब पर भी देख सकते हैं और इसे यूट्यूब पर सब्सक्राइब करना ना भूले। अब फिलहाल वक्त हो चला है एक ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देश और दुनिया की तमाम खबरें देखने के लिए बने रहे MNS न्यूज लाइव के साथ। नमस्कार।